Hello, my little kids. How are you all? Very good morning to all of you. Welcome to Fun and Learn Home Learning. मैं आपकी भाविका टीचर आज आपका रेनड्रॉप सब्जेक्ट लेने वाली हूँ. आप सब लोग रेडी हो? Yes. तो चलो आपकी टेक्स्ट बुक, आपकी नोटबुक एंड स्टेशनरी लेके बैठ जाओ. पहले तो आपको मेरा वीडियो अच्छे से सुनना है, समझना है, उसके बाद ही आपकी बुक नोटबुक ओपन होनी चाहिए. समझ गए ना? ऐसा ही करेंगे ना? हाँ, वेरी स्मार्ट किड्स. अभी बच्चों, पहले तो वीडियो खत्म होते ही आपको क्या करना है पहले? यस, कमेंट बॉक्स में आपका नाम लिखना है एंड थम कर देना है, सो दैट आपकी अटेंडेंस आज की कंसिडर हो जाएगी. अभी हम चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे. सब लोग रेडी हो ना? बी रेडी फॉर लर्निंग. यस, बुक ओपन करने से पहले आज हम क्या पढ़ेंगे ना, वो आपको गेस करना है. करेंगे ना? मैंने क्या किया? क्लैपिंग किया. फिर क्या किया? टैपिंग किया. फिर ब्लिंक माई आई. फिर मैं आपसे स्पीकिंग कर रही हूँ ना? यस. तो ये सब क्या कर रही हूँ मैं? हाँ, इसको क्या बोला जाता है पता है? एक्शन. तो आज आपके चैप्टर फर्स्ट का नाम क्या है? यस, एक्शन सॉन्ग. तो आज हम एक्शन करते करते एक पोयम पढ़ने वाले हैं. आर यू एक्साइटेड? वेरी नाइस. शैल आई ओपन टेक्स्ट बुक? ओके, लेट्स ओपन आवर टेक्स्ट बुक. आपने नहीं करना है, मैं करूंगी. यस बच्चों, ये आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है, एक्शन सॉन्ग. पहले तो मैं बच्चों आपको पोयम को अच्छे से पढ़ा देती हूँ, समझा देती हूँ, फिर हम गा के प्रैक्टिस करेंगे, है ना? तो लुक एट हियर, सबका ध्यान है ना? सब लोग मुझे अच्छे से सुन रहे हैं ना? यस. एक्शन वर्ड कहाँ पे है पता है? लुक एट हियर, मैं आपको दिखाती हूँ. एक्शन सॉन्ग. एक्शन सॉन्ग फर्स्ट क्या है, थोड़ा जूम करके आपको दिखाती हूँ. आपका ध्यान है ना यहाँ पे? लुक एट हियर. रिंग, रिंग, रिंग द बेल. बेल को बजाना है. एंड क्लैप, क्लैप, क्लैप. रिंग द बेल एंड क्लैप, क्लैप, क्लैप. क्लैप, क्लैप, क्लैप. क्लैप, क्लैप, क्लैप. क्लैप, क्लैप, क्लैप. Ring the bell and clap, clap, clap. Clap, clap, clap. Sing with me today. मजा आया ना? अभी आगे का पढ़ेंगे. Wave your hand यानी आपके हाथ को लहराना. लहराना कैसा होता है? ऐसे wave, है ना? Wave your hand and clap, clap, clap. Clap, 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 clap. Wave your hand. आपको ऐसे खुले करके दिखना है ना? मैं आपको वीडियो में ऐसे दिखा रही हूँ, बट आपको लंबे हाथ करके ऐसे मस्त पंछियों जैसे उड़ना है ना? Wave your hand and clap, 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 clap. फिर आगे क्या है? Yes. Sing with me today. मेरे साथ गाना गा. मजा आया ना? तो अभी इसको रिसाइट करते हैं, राइम्स के जैसे बोल के देखते हैं. आपको ये प्रिपेयर करके आपको वीडियो बना के एक्शन के साथ वीडियो बना के मुझे भेजना है. भेजेंगे ना? सब लोग रेडी हो जाओ. हाँ, चलो अभी गा के करते हैं. Ring the bell and clap, clap, clap.
clap 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 ring the bell and clap 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 sing with me today sing with me today yaane mere saath gaana gaa ga rahe ho na chalo aage ka kare wave your hand and clap 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 wave your hand and clap 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 sing with me today mere saath gaana gaa maza aaya na to mujhe ga ke dikhayenge na action karke dikhayenge na ye poem mein humne kaun si action padhi ring the bell yani bell ko bajana ye kaun si moment hui hands ke through moment hui hai na clap clap wali bhi हैंड्स की मूवमेंट हुई और सिंग विथ मी टुडे दैट है हम सिंगिंग कैसे करते हैं मुंह से करता है ना तो ये सब एक्शन के लिए हमारे बॉडी के पार्ट्स यूज हुए हैं ना वेव योर हैंड्स एंड क्लैप 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 वेव योर हैंड्स एंड क्लैप 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 एंड सिंग विथ मी टुडे तो ये सब में वेव योर हैंड में भी हमारे हाथ का इस्तेमाल हुआ समझ में आया इधर तक तो हमने रिसाइट कर दिया अभी आगे बढ़ेंगे यस देखो ये बच्चे भी ऐसे ही एंजॉय कर रहे हैं अब भी ऐसे ही एंजॉय करना हाँ क्लैपिंग कर रहे हैं वेव योर हैंड्स कर रहे हैं है ना और गाना गा रहे हैं चलो अभी आगे देखते हैं यस अभी आगे के एक्शन क्या है देखते हैं स्टैम्प स्टैम्प योर फीट एंड क्लैप 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 स्टैम्प योर फीट एंड क्लैप 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 सिंग विद मी टुडे सिंग विद मी टुडे तो स्टैम्प योर फीट अभी तक तो हमको क्लैपिंग का पता हो गया सिंगिंग का पता हो गया बट ये स्टैम्प क्या है यस यानी पैरों से थप्पा लगाना कैसा पैर से थप्पा लगाना है ना तो स्टैम्प स्टैम्प योर फीट तो आगे देखते हैं अभी आगे कौन सी है Yes. Look at here. Clearly दिख रहा है Yes. Now turn around and clap, 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 clap. Turn around and clap, 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 clap. Sing with me today. New word है ना Turn around. यानि गोल गोल घूमना है मस्त टर्न अराउंड करके करते क्लैपिंग करनी है एंड सिंग करना है तो चलो बच्चों अभी हमने रीडिंग करना तो जान लिया अभी इसको रिसाइट करते हैं स्टैम्प योर फीट एंड क्लैप 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 स्टैम्प योर फीट एंड क्लैप 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 सिंग विद मी टुडे Turn around and clap, 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 clap. Turn around and clap, clap, clap. Sing with me today. मजा आया ना? अभी ये पोयम अपने अच्छे से सुननी होगी ना तो मुझे आंसर देना आई विल आस्क यू सम क्वेश्चन तो गेट हियर माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कैन यू थिंक of some other action to accompany this song. आप दूसरी कोई action करना चाहते हैं ये poem में add? Yes. मैं आपको एक करके दिखाती हूँ मुझे इसके अलावा दूसरे आप करके दिखाना है Stamp around के जगह पे मैं laugh बोलती हूँ Laugh loudly and clap 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 clap
laugh loudly and clap clap clap, sing with me today, ha 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 ha, loudly and ha 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 ha, क्योंकि हंसना हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है ना? Yes, laugh loudly and clap clap clap, clap clap clap, clap clap clap, laugh loudly and clap clap clap, sing with me today. तो मैंने आपको एक एक्शन मेरे हिसाब से करके दी, आपने आपके इमेजिनेशन से कोई भी एक एक्शन जोड़ के ये पोयम मुझे करके दिखानी है। आपके दिमाग में क्या क्या आ रहा है? यस, नाउ अंडरलाइन द वर्ड, सेकेंड क्वेश्चन है, अंडरलाइन द वर्ड दैट इज यूज द मोस्ट इन द पोयम। कौन सा ऐसा वर्ड है जो पोयम में बार बार रिपीटेडली आया है? Yes, correct answer. Clap. Underline the sentence that is used at end of every three lines. End of every three lines. कौन सी line pop up होती है? बोलो बोलो. Yes, good job. Sing with me today. मेरे साथ गाओ. मजा आया ना? अभी आपको क्या करना है? यस, वीडियो खत्म होते ही आपको रीडिंग करनी है एक बार पोयम, और गा के एक्शन के साथ मुझे वीडियो भेजना है। ओके, नाउ थोड़े मोर प्रैक्टिस के साथ हम एक्शन के स्मॉल स्मॉल सेंटेंस पढ़ेंगे भी, और न्यू मोर एक्शन के बारे में डिस्कस भी करते हैं। इसलिए मैं अभी वर्कशीट ओपन कर रही हूँ। आप सब लोग रेडी हो ना? और पढ़ना है ना? गुड जॉब। यस बच्चों, अभी वर्कशीट में हम देखेंगे, पहला क्या पॉइंट है, माय फर्स्ट पॉइंट इज राइट डाउन द न्यू वर्ड्स 3 times इन योर रेन ड्रॉप नोटबुक। आज हमने जो भी एक्शन वर्ड पढ़े हैं वो आपके रेन ड्रॉप के नोटबुक में नोट डाउन होने चाहिए, है ना? रिवाइज करना है, जैसे रिंग याने बजाना, ताली याने क्लैप याने ताली, सिंग याने गाना गाओ, वेव याने लहराना, स्टैम्प याने पैट पटकाना, एंड टर्न अराउंड याने मुड़ना, है ना, राउंड राउंड। अभी बच्चों यहाँ पे देखो, बहुत सारे बच्चे आपके जैसे है ना कुछ एक्शन कर रहे हैं। आपको क्या करना है पता है? ये पिक्चर्स को ऑब्जर्व करना है और बीच में दिए एक्शन को वो पिक्चर्स के साथ मैच करना है। मैं आपको एक्शन रीड करके दिखाऊंगी, आपको वही एक्शन के रिलेटेड पिक्चर फाइंड आउट करना है। राइड अ बाइक, रन, जंप, प्ले टेनिस यानी टेनिस खेलना, राइड अ बाइक, हाँ राइड अ बाइक यानी यहाँ पे साइकिलिंग होता है ना, साइकिल चलाना, स्विम यानि तैरना, प्ले बास्केटबॉल, प्ले फुटबॉल, बास्केटबॉल खेलना, फुटबॉल खेलना, डांस, सिंग, ये मोर एक्शन वर्ड्स है ना? तो आपको एक्शन वर्ड के साथ, एक्शन वर्ड्स जो दिए हैं उसको पिक्चर के साथ मैच करना है। ओके, दिस इज योर होमवर्क। ओके, मैच द पिक्चर एंड सेंटेंसेस। तो आप अभी यस ये पिक्चर्स को ऑब्जर्व करो, एंड उसके मैंने स्मॉल स्मॉल सेंटेंसेस दिए हैं। तो आपको क्या करना है, सेंटेंस को अच्छे से पढ़ना है और वो एक्शन के नीचे आपको लिख देना है। फॉर एग्जांपल, टच योर हेड यानी आपके माथे पर हाथ लगाओ, है ना, टच करना है। आपको वो एक्शन कहाँ पे दिख रही है? यस, इधर। तो आपको क्या करना है, टच योर हेड यहाँ पे इसके ये एक्शन के नीचे लिखना है। गॉट इट? नाउ क्लैप योर हैंड्स, है ना,
शेक योर बॉडी, ऐसे ऐसे शेक करना है। टच योर नीज, आपके नीज को टच करना है यानी घुटने को। रेज योर हैंड, रेज योर हैंड, है ना। टच योर फीट यानी पैरों को हाथ लगाना है। ओपन योर माउथ, आपका मुंह खोलो। टच योर नोज, आपके नोज को टच करो। तो बच्चों आपको क्या करना है, ये सेंटेंस अच्छे से पढ़ने हैं और उसकी स्पीकिंग की प्रैक्टिस भी करनी है। मजा आया ना एक्शन सॉन्ग सुनने में और पढ़ने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।